गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल यू आर फाइन एंड नाउ प्रिपेयर फॉर योर पीटी फर्स्ट एंड विद इन अ वन एंड टू डे यू गॉट योर पीटी फर्स्ट सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू विद द चैप्टर्स नेम एंड नाउ वी स्टार्ट द रिविजन ऑफ PT first. So first chapter, the Cold War era, we start. In this chapter we read what happened after the First and Second World War. A new tradition was start in the world history, that is called Cold War, because after the Second World War, world see what are the disasters of the wars, and the in Japan, Hiroshima and Nagasaki, two cities face the these disaster. So and after the Second World War, two new powers were emergence in the world history, that is USSR and US. Before the First and Second World War, the world powers are France and England. So we start our chapter point wise. There were two world war in the 20th century. First World War, which was fought in 1940s to 1980. ठीक है, इट मीन्स ऑलमोस्ट फोर ईयर्स ये चली आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945. ऑन वन साइड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एलाइड फोर्स वर लेड बाय यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना. एंड अनदर साइड देयर वर एक्सिस पावर led by Germany, Italy and Japan. Axis power were defeated by allied force and the Second World War was also beginning of Cold War. बच्चों, ये notes मैं आपको पहले send कर चुकी हूँ, ठीक है, ये आपकी copy में maintain होने चाहिए. पूरा आप इसके write down करिए अपनी copies के अंदर, है ना. और ये जो मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके थ्रू आपको ये जो पूरा चैप्टर है लाइक अ माइंड मैप आपके आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रटने से नहीं, समझने से चीज़ ज़्यादा समझ में आती है. तो ठीक है, अब हमने देखा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, इसके अंदर क्या था, वर्ल्ड जो है वो टू पावर्स में डिवाइड था. ठीक है, पहले कौन से थे, जो फर्स्ट ग्रुप था अलायंस, जिसे पावर जिसे बोला जाता है अलायंस फोर्सेस, एलाइड फोर्सेस, इसमें फ्रांस, रशिया, चाइना एंड ब्रिटेन एंड अमेरिका. और दूसरा जो था वो कौन से थे, जर्मनी, इटली एंड जापान. इन्हें क्या कहते थे, एक्सिस पावर. तो ये आपके दो ग्रुप हैं, इनको भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टू पावर्स थी, उनके क्या नेम थे. ठीक है, तो ये ग्रुप बन गए थे वर्ल्ड पावर्स के. नाउ क्यूबा रूल, इसमें कोल्ड वॉर इरा हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम आते हैं क्यूबा. रूल्ड बाई अ कम्युनिस्ट वॉज अ स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ सोवियत यूनियन. क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री है. कम्युनिस्ट आपको पता है यूएसएसआर जो है, वहाँ पर लेनिन ने जो एक सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उसको, कार्ल मार्क्स, लेनिन, जो उनकी आइडियोलॉजी थी उसको कम्युनिज्म बोला जाता है, कम्युनिस्ट, उसको फॉलो करने वाला एक ये सोवियत यूनियन के पास एक छोटा सा आइलैंड कंट्री था. इन 1961 व्हेन सोवियत यूनियन प्लेस्ड न्यूक्लियर वेपन इन क्यूबा, देन इंस्टॉलेशन ऑफ दीज वेपन्स put the US for first time under the fire from close range. उसने क्या किया, रशिया ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनकी जो इंस्टॉलेशन है वो कहाँ पर करनी शुरू कर दी, क्यूबा में. और वो उनकी जो रेंज थी वो कहाँ तक जा रही थी, वो US तक
पहुंच सकती थी। कैनेडी वॉज रेल्यूनेंट टू स्टार्ट न्यूक्लियर वॉर बट वॉज डिटरमाइंड टू गेट क्रुशेव टू रिमूव द मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम क्यूबा। जो कैनेडी हु वॉज कैनेडी, कैनेडी वॉज अ अमेरिकन प्रेजिडेंट। उन्होंने जो यूएस सोवियत रशिया के प्रेजिडेंट थे उनसे कहा कि या तो आप इसको यहाँ से हटाइए, अदरवाइज जो है वॉर स्टार्ट हो सकती है। ओके, अ क्लैश सीम बट बोथ साइड डिसाइडेड टू अवॉइड वॉर, दस द वॉर वॉज सेव्ड फ्रॉम द ह्यूज मैसिव डिस्ट्रक्शंस दैट कुड हैव कॉज थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो जब टू सुपर पावर्स आमने सामने आई, बट उन्होंने ये डिसाइड किया कि वहाँ उन्होंने वॉर को अवॉइड किया, और तब लोगों ने चैन की सांस ली पूरी दुनिया ने। तब ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो सकती है। इन स्पाइट ऑफ सरेंडर बाय द जर्मनी एंड इटली, जापान कंटिन्यू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब देखा कि जब जर्मनी और इटली ने सरेंडर कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बावजूद भी जापान ने क्या किया था, कंटिन्यू रखी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई। देन ऑन 9th अगस्त 1945 अमेरिका ड्रॉप टू एटॉमिक बम ऑन द टू जापानीज सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी। सब जानते हैं हम लोग, बट आपको अब क्या करना है, ये डेट रिमेम्बर करनी है। 9th अगस्त 1945 जब जापान ने लड़ाई जो है कंटिन्यू रखी थी अपनी एक्सिल जो पावर है, उनके जो दो मेन कंट्री थे इटली एंड जर्मनी, उन्होंने सरेंडर कर दिया, बट जापान ने अपनी जो लड़ाई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंटिन्यू रखी। तब यूएस ने क्या किया, वहाँ पर उसके दो शहरों पर एटॉमिक बम डाल दिए। द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शंस कॉज जापान टू सरेंडर विदाउट एनी कंडीशन। इसकी वजह से जापान ने बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के क्या किया, वहाँ पर अपने सरेंडर कर दिया। इस तरह से क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हुई। द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। नाउ आवर चैप्टर स्टार्ट कोल्ड वॉर। जहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, उसके बाद से आपका ये एक नई डिप्लोमेसी वर्ल्ड के अंदर शुरू होती है, जिसे कोल्ड वॉर का नाम दिया गया। ठीक है, कोल्ड वॉर डिडेंट इन्वॉल्व मिसाइल बम एंड अदर वेपन्स बट इट इन्वॉल्व इन कॉम्पिटिशन। क्या होता है बेटा, शांति की लड़ाई, इसमें हथियार नहीं, वेपन्स नहीं होते। हम जो मिलिट्री होती है वो आमने सामने नहीं आती, ये होती है कंपटीशन। इसमें होता है आपके वेपन्स का कंपटीशन, आपके डेवलपमेंट का कंपटीशन, आपकी टेक्नोलॉजी का कंपटीशन। और जब सुपर पावर होती है, होता है ना, तो जब एक फ्रेंड होते हैं और एक होता है कि आप पढ़ाई में कि हमें, मुझे उससे ज़्यादा पढ़ना है, मुझे उससे ज़्यादा पढ़ना है, तो ये चीज़ होती है कोल्ड वॉर। और एक होता है आपका कि नेगेटिविटी। तो अपने अब जो है कि आर्म फोर्स की जगह पर कंपटीशन किसका था, डेवलपमेंट का एंड आपका पैसे का, आपको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इस तरह से, है ना, अपनी सुपीरियरिटी जो है उसको शो करने का। द टेंशन एंड सीरीज ऑफ सीरीज बिटवीन द अमेरिका एंड सोवियत बैक देयर रिस्पेक्टिव अलायंसेस। देयर वॉज एंड द इमेज कंपिटिशन बिटवीन द टू टू बिकॉज सुपर पावर बोथ साइड्स एंड कैपेसिटी ऑफ अगेंस्ट द अटैक कॉज मच डिस्ट्रक्शन। बोथ द सुपर पावर न्यू दिस थिंग, द नेम ऑफ दैम वॉर, दिस कंडीशन केम टू नो इन द केम टू नो इन द दिस कंडीशन केम टू नो डिटरेंस। द डिटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट वॉर बट नॉट राइवली बिटवीन द पावर। इससे क्या हुआ कि
कि आपकी लड़ाई तो रुक गई दोनों में, बट उनकी जो जो उनके बीच में कंपटीशन था, जो राइवलिटी है ना, वो नहीं खत्म हो रही थी। द टू सुपर पावर, कौन सी सुपर पावर? यूएसए एंड सोवियत, यूएसएसआर, यूएस एंड यूएसएसआर, वर्क कीन टू एक्सपेंडिंग देयर स्पीयर्स इन्फ्लुएंस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इंक्रीज करने की इनके अंदर कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। किनके बीच में? यूएसए एंड यूएसएसआर। द एंटायर वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इन टू टू कैंप्स। पूरा जो वर्ल्ड है वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया था। द स्मॉलर स्टेट इन द अलायंस यूज टू लिंक टू द सुपर पावर फॉर देयर ओन पर्पसेस। सब लोग जो हैं छोटी हैं, वो इन अलायंस को अपने अपने फायदे के लिए यूज कर रही थी। बहुत कम बनी। मोस्ट कंट्री ऑफ द वेस्टर्न यूरोप साइड विद यूएस एंड दोज ऑफ ईस्टर्न यूरोप ज्वाइन द सोवियत कैंप। ठीक है बेटा, अब आप यूरोप का मैप आपका दिमाग में है, आप लोग ने देख रखा है, तो इसमें जो वेस्टर्न पार्ट था वो किसकी साइड था? देखो आप देखेंगे तो यूएसए है और मिडिल में यूरोप है, और उधर के बाद फिर पूरा जो है वो रशिया है। तो जो ईस्टर्न पार्ट था वो तो था रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ, सोवियत रूस के साथ, एंड जो वेस्टर्न पार्ट था वो किसकी तरफ था? यूएसए की, मोस्टली। दैट्स वाई दीज वर ऑल्सो कॉल्ड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस। इसलिए इनको कुछ लोग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंस भी कहते थे। द वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस वर फॉर्मलाइज इन टू ऑर्गेनाइजेशन नाटो एंड वार्सो पैक्ट। जो आपका वेस्टर्न अलायंस था उसको क्या नाम दिया गया? नाटो। एंड द जो ईस्टर्न था उसको वार्सो पैक्ट। ऑन द सेम बेस द साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो, साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो वर इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, ये आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वर्ल्ड जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ और उसमें इतने सारे ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गए। देयर वर सेवरल क्राइसिस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। द टू सुपर पावर्स वर पोज फॉर द डायरेक्ट कन्फर्टेशन इन कोरिया, बर्लिन एंड कॉन्गो। ऐसा नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई ऐसी पोजीशन ही क्रिएट नहीं हुई जहाँ पर आपकी वॉर की कंडीशन ना क्रिएट हुई हो, ऐसा नहीं था। आप इसको भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, इसमें शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है कई बार, तो आप इसमें लिखेंगे कि इन कोरिया, और ये आपको डेट लिखनी है कोरिया 1952-1953, बर्लिन 1958-1962 एंड कॉन्गो इन 1960। बट इट डिडेंट लेड टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन लेकिन ये हमारे, ये जो सुपर पावर थी, इनके इनके बीच में क्राइसिस हुए, इनके बीच में तनाव बढ़ा, बट ये कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट नहीं हुई। आफ्टर वॉचिंग ह्यूज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय वेपन्स द यूएस एंड यूएसएसआर डिसाइडेड टू कोलैबोरेट द लिमिट एंड एलिमिनेट द सर्टेन काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। उन्होंने देखा था किस तरह से डिस्ट्रक्टिव विनाश हुआ था फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो इन दोनों पावर्स ने, यूएस एंड यूएसएसआर ने ये डिसाइड किया था कि वो कोलैबोरेट करेंगे, लिमिट में रखेंगे, है ना, एलिमिनेट करेंगे कुछ विशेष तरह के न्यूक्लियर वेपन्स को। द टू साइड साइन थ्री सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट दैट आर एज फेलो।
ठीक है। अब बेटा ये सब आपका क्वेश्चन के लॉन्ग जो क्वेश्चन बनेंगे वो सब इसी का आपका वो होगा, ठीक है सारा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों ने डिसाइड किया और टू ट्रीटीज जो है वो साइन करी। दीज आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। पहली जो आपकी क्या आती थी, क्या नाम दिया गया, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, और सेकेंड न्यूक्लियर नॉन दो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफे लिफ्रेशन ट्रीटी एंड एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो ये आपकी थ्री ट्रीटीज हैं जो आपको फिर डिटेल में भी मैं बताऊंगी। तो ये इन दो सुपर पावर्स ने साइन करी। द नॉन अलाइनमेंट ऑफर्ड थर्ड अल्टरनेटिव टू द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज व्हेन एंटायर वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू कैंप्स ड्यू टू द कोल्ड वॉर, ठीक है। अब क्या है बेटा कि इन दो सुपर पावर्स के बनने के बाद एक नई पावर, एक नई चीज़ जो है दुनिया ने देखी, जिसका नाम था नॉन अलाइन मूवमेंट, है ना, नॉन अलाइन अलाइंड ऑफर। इसमें वो कंट्री थे मोस्टली जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे, किससे, जो आपके यूरोपियन पावर्स थी लाइक इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, है ना, इंडोनेशिया, इस तरह से बहुत सारे कंट्रीज थे जिन्हों जो वो। तो उनका मेन मोटिव क्या था, वो नहीं चाहते थे कि हम कोई सा कैंप ज्वाइन करें, ना वो वार्सा पैक्ट की तरफ जाना चाहते थे, ना वो नाटो, ना सीटो, ना वो किसी तरफ। वो क्या चाहते थे, अब उनका मेन मोटिव था कि हम किस तरह से अपने कंट्री को डेवलप करें, ठीक है, समझ में आया। सो व्हेन द एंटायर वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू कैंप ड्यू टू कोल्ड वॉर, इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये बेटा याद रखोगे, इंडिया जवाहरलाल नेहरू, यकोस्लावियाज जोसिफ ब्रोज टीटो एंड इजिप्ट लीडर लीडर जमाल अब्दाल नासिर एंड इंडोनेशिया सुकोर्नो एंड घानास कमामे नुखांज एंड नोज एज बी आर द फाउंडर ऑफ नेम। तो दीज ऑल आर द मेंबर विच आर द फाउंडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। इसमें बेटा आप देखोगे इंडिया, यूगोस्लाविया, है ना, एंड आपका कौन, ये इंडोनेशिया, इजिप्ट, ये सब क्या है, ये अफ्रीकन और एशियन कंट्री हैं मोस्टली जो किसी ना किसी यूरोपियन पावर के अंडर में थे, है ना। तो ये आप देखेंगे, ठीक है। तो अब नॉन अलाइन मूवमेंट, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। द नॉन अलाइड कंट्रीज बीइंग स्टेड अवे फ्रॉम बोथ द टू सुपर पावर्स नॉट ओनली ट्राइंग फॉर इट्स डेवलपमेंट बट ऑल्सो प्लेड एन एक्टिव रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन टू राइवल अलायंस एंड दस सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये जो नॉन अलाइन कंट्री थे, इन्होंने क्या करा, अपने को दो सुपर पावर से अलग करके ना सिर्फ अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देने का काम किया, बट ये मीडिएटर बन गए इन दो जो राइवल कंट्री थे उनके बीच में, और इन्होंने इस तरह से पीस मेंटेन करी और दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर के खतरे से, डेंजर से बचा लिया। द नॉन अलाइन कंट्री वर नॉट ओनली मीडिएटर्स इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बट ऑल्सो मेड अटेम्प्ट फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। अच्छा, इन्होंने मीडिएटिंग का काम तो किया ही, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे, इसके अलावा उन्होंने अपने कंट्री के डेवलपमेंट में भी वर्क किया। न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज वर ऑल्सो इंक्लूड विच वर कैटेगराइज एट लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, देयर प्रायोरिटीज वॉर टू बी मोर डेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड टू लिफ्ट देयर पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी
है ना, स्टारवेशन एंड द लिटरेसी. इनका मेन काम क्या था, इन्होंने मीडिएटिंग करा दुनिया के इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स में, अपने जो है मीडिएटर बनकर अच्छा रोल प्ले किया. और फिर इन्होंने क्या किया कि जो नए नए इंडिपेंडेंट कंट्री थे, जो न्यू डीकोलोनाइज्ड हुए थे अभी अभी, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे, उनका मेन मोटिव यही था कि किस तरह से अपने देश को गरीबी, भुखमरी और अज्ञान, इलिटरेसी से अपने कंट्री को बाहर निकाला जा सके. ठीक है, गरीबी, भूख और इलिटरेसी, ये तीन मोटिव, मतलब कि सबसे अपने कंट्री का डेवलपमेंट किस तरह करेंगे वो लोग. ठीक है, नाउ इंडिया इज नोन फाउंडर ऑफ नॉन एलाइड मूवमेंट NAM. इंडिया जो है, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू ये इसके फाउंडर मेंबर थे, किसके, NAM के. इंडिया कैप्ट इट्सेल्फ अवे फ्रॉम द एग्रीमेंट अलाइनमेंट एंड ट्राई टू एलिमिनेट द डिफरेंस बिटवीन द सुपर पावर्स. मोर ओवर इंडिया सपोर्ट न्यूली डिसकोलोनाइज्ड कंट्री फॉर देयर डेवलपमेंट. इंडिया ने सबसे पहले इसकी नींव रखी और ये एक नई जो एक थिंकिंग थी उससे लोगों को नोन कराया और कहा कि हमें किसी भी वर्ल्ड की जो ये दो टू सुपर पावर हैं इनको हमें ज्वाइन नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें अपने कंट्री के डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, हमें अपने कंट्री की जो पॉवर्टी है, जो हम भूखमरी है, जो वहाँ पर इलिटरेसी है, उसके लिए वर्क करना है, ना कि हमें अनदर जो कन्फ्लिक्ट हैं उनमें पार्टिसिपेट करना है. इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज क्रिटिसाइज ऑन द नंबर ऑफ कोर्ट्स. इंडिया की, बेटा कोई भी काम अगर आप करते हो वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कि आप कहो उसको कि 100% लोग उसको लाइक करेंगे, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो जो नॉन अलाइन जो ये न्यू पॉलिसी थी, इसको भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसको क्रिटिसाइज किया. बट द पॉजिटिव एस्पेक्ट NAM फाउंडेड बाय इंडिया हैव मोर वेटेज देन द नेगेटिव एस्पेक्ट. लेकिन बेटा ज़्यादातर लोगों ने इसको पॉजिटिवली लिया, नेगेटिव इसको कम लिया गया. ठीक है, तो यही तो देखा जाता है बेटा, ज़्यादातर लोग जिसके साथ हो वही अच्छी चीज़ मानी जाती है. आप 100% किसी को भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, सब कोई ना कोई क्रिटिसाइज कर ही देता है. ठीक है, ये सिर्फ ये हर इंडिविजुअल के लिए होती है, हर डिवाइस के लिए होती है ये चीज़. उसका आप देखोगे कि फ़ायदे और नुकसान हर चीज़ का होता है. इसी तरह अच्छाई या बुराई, क्रिटिसाइज भी हर चीज़ की होती है, वो कम या ज़्यादा कैसे हो सकती है. दिस मूवमेंट प्रोवाइड एंड फाउंडेड by India have more weightage than the negative aspect. This movement provide a opportunity to highly backward and least developed country to service on the international stage. इसने क्या किया बेटा, इसने क्या किया, प्रोवाइड किया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जो बैकवर्ड कंट्री थे और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे उनके लिए इसने एक इंटरनेशनल स्टेज पर, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाई. इट मींस कि ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, नाउ इट बिकेम अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ से कही हुई बात जो है वो इंटरनेशनल अपना एक इम्पोर्टेंस रखती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोग जो हैं, जो इसके लीस्ट डेवलपिंग कंट्री थे, जो बैकवर्ड कंट्रीज थे, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया और धीरे धीरे वो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में अपना इंटरफेरेंस रखने लगे.
तो ठीक है, तो अब आपने देखा कि कितने सारे इसमें थे, जो कौन कौन सी इसमें मेन वो हुई, साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड द वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस एंड वार्सा पैक्ट, एंड इसके अलावा द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद आप देखोगे कि बहुत सारी ट्रीटीज हुई, और उसके बाद एक नई जो है वो नॉन अलाइंड मूवमेंट ये आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, नाउ आप देखेंगे कि कुछ इसके अंदर ट्रीटीज हैं जो मैंने अभी आपको समझाई थी, उसको आप देखोगे, इनको हमें डिस्कस करते हैं। तो ये आप लोग अपनी नोट्स में ये भी लिख सकते हैं, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, LIBT। ठीक है, बैंडेड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इन द एटमॉस्फियर, इन द आउटर स्पेस, अंडर वाटर, साइन बाई द US, UK एंड USSR, मॉस्को ऑन 5 अगस्त 1963, एंटर्ड इंटू अ फोर्स एंड 10 अक्टूबर 1963। बेटा जो न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्टेड होते हैं, ये भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इनको रोकने के लिए भी ये जो पहली ट्रीटी थी LIBT जो है वो साइन हुई। दूसरी ट्रीटी है, कब हुई थी ये भी आप ध्यान रखना, 1963 में साइन हुई, और ये अगस्त में और अक्टूबर में वो इन्फोर्स हुई। ठीक है, सेकंड है न्यूक्लियर नॉन, है ना, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी NPT, अलाउ ओनली द न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैव न्यूक्लियर वेपन्स स्टॉप अदर फ्रॉम द एक्वायरिंग दैम फॉर द पर्पस ऑफ NPT। अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट इज वन विच मैन्युफैक्चर्ड द एक्सप्लोडेड एंड न्यूक्लियर वेपन्स और अदर न्यूक्लियर वेपन्स इन 1968 एंड इंटू फोर्स केम इन 5 मार्च 1970। ठीक है, तो ये हो गई। नेक्स्ट है आपकी SALT फर्स्ट, साल्ट फर्स्ट, द फर्स्ट राउंड ऑफ द साल्ट लिमिटेशन टॉक बिगेन इन नवंबर 1969। द सोवियत लीडर लेनिन ब्रीजावेन एंड USS प्रेसिडेंट निक्सन साइन द फॉलोइंग ट्रीटीज इन मैक्सिको मास्को सॉरी मास्को ऑन 26 मई 1972। एंड फिर नाउ द साल्ट सेकेंड एंड द स्टार फर्स्ट एंड स्टार टू, दीज ऑल आर द ट्रीटीज विच आर द एफर्ट्स फॉर कंट्रोलिंग द वेपन्स एंड द न्यूक्लियर वेपन्स एंड हाउ कैन वी सेव अवर वर्ल्ड फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड द एनवायरमेंटल डिजास्टर। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। फॉर योर क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी 5 to 6 इवनिंग एंड प्लीज मेंटेन योर नोट्स इन योर नोटबुक। आई हैव ऑलरेडी सेंड दीज नोट्स। हाँ, सो प्लीज स्टे सेफ एंड नाउ स्टार्ट फॉर योर स्टडी, फॉर बिकॉज यू आर फेसिंग अ बोर्ड एग्जाम इन दिस ईयर।